हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, घरों से लेकर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। खबर यह है कि कई हिंदू नेताओं की हत्या भी की गई है और हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है। हिंदू महिलाओं को भी अगवा किया गया है। राजनीति से जुड़ी तमाम जो हिंदू नेता हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले 2.5 करोड़ हिंदू असुरक्षित है और हिंदुओं पर हमला तेज होते जा रहे हैं। इस्कॉन की भी वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, मंदिरों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं के घरों को आपके हवाले कर दिया जा रहा है। अभी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 91% जो है अन्य जातियों की है और 8% के करीब हिंदू वहां पर रहते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ हिंदू असुरक्षित है फिलहाल और हिंदुओं पर हमला तेज होते जा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और आग के हवाले मंदिर को कर दिया गया है। ये इस्कॉन मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें दर्दनाक हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में और कौन सुलगा रहा है बांग्लादेश को, आखिर इसके पीछे की क्या बड़ी मंशा है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ के साथ साथ हिंदुओं के जो घर है उनको आग के हवाले किया जा रहा है और मुश्किल की घड़ी में इस वक्त जो है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए है। तो बांग्लादेश में हिंसा से तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए इस वक्त परेशानी का सबब है और हमले उन पर जारी है। 39 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, घरों से लेकर मंदिर तक तोड़फोड़ की गई है, हालात भयावह हो चुके हैं। मौजूद वहां पर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश से भारत आए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां के हालात को बयां किया है। वहां पब्लिक जो चाह रहा है वो अंदर में कर रहा है, हम लोग के अंदर पार्किंग में बंद करके रखा गया था कि कोई बांग्लादेश के लोग हम लोग के इंडियन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि निकाल दीजिए गाड़ी, कुछ गाड़ी खाली हो गई है, कुछ आधा खाली करके छोड़ दिया गया है। आज क्या होता है इसीलिए बोला है कि हमारा गवर्नमेंट हम लोग को इंडिया में बुलाया है, इसीलिए हम लोग इंडिया हैं, गाड़ी हम लोग के बांग्लादेश अंदर में ही। क्या क्या हादसा हुआ था उनका? अंदर में पूरा तोड़ फोड़, सब आग उग लगा रहा है सब तरफ। तो सुना आपने क्या कहना था और कैसा मंजर इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। तो उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर भी मारपीट की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील की है, सुनिए इनका क्या कहना है। माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश के आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया, अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं, कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। हम मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ है एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है बांग्लादेश में। टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट वो लोग अभी। तो बांग्लादेश से देर रात एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची, दिल्ली एयरपोर्ट पर आई। एयर इंडिया की फ्लाइट से पहुंचे लोग काफी सहमे हुए दिख रहे थे और कैमरे पर बोलने से बच रहे थे। कुछ यात्रियों ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बारे में भी बताया, सुनिए। इट्स ऑल अबाउट लोकल बंगालीज जिन पे अटैक हुए, बट इंडियंस के लिए इट इज क्वाइट सेफ फॉर द एक्सपैट्स।
नाउ फ्लाइट सर्विसेज हैज आल्सो बीन रिज्यूम्ड, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया है। ट्रीटमेंट के लिए जी, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में तो वहाँ क्या सिचुएशन है, हिंदूज की क्या कंडीशन है वहाँ पर? ना इजिया से अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ? हमने देखा काफी ज्यादा तोड़फोड़ और वॉयलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। वहाँ पर मेरा सरकार तो डेस्क पे नहीं है, एखन मेरे डेस्क पे स्टूडेंट में कुछ बोला था, हमारा डेस्क एखन या सेना बाहिनी के पदस में। स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट एखन ठीक है, स्टूडेंट एखन पैनिक है, ऐसा है पैनिक है वहाँ। द ग्राउंड रियलिटी इज आर्मी हैज टेकन ओवर द सिचुएशन एंड currently situation is good। तो बांग्लादेश में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाए। सुनिए। আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে, মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই? কেন ইন্ডিয়া যাব, আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না। तो इस तरह की बर्बादी बांग्लादेश में देखने को मिल रही है और आंदोलन के नाम पे क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा सवाल लड़की करती नजर आई। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो चुके हैं तो इधर भारत में उन हमलों का विरोध होना शुरू हो गया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत सरकार से अपील की कि हिंदुओं के लिए वो अपने दरवाजे खोले। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे अत्याचार के मामले पर बोलते हुए आरएसएस के भैयाजी जोशी ने कहा है कि भारत सरकार सुनिश्चित करे कि वहां के हिंदू सुरक्षित रहें। उधर कोलकाता इस्कॉन मंदिर की तरफ से अपील किया गया है कि भारत सरकार को हिंदुओं को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहां के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। हम यही अपील करना चाहेंगे अन्य देशों की सरकारों से कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से कि ये जो बांग्लादेश में जो तांडव चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज रहते हैं और वो लोग काफ़ी आतंकित हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया मुसलमानों पर भी हमले हुए हैं। अहमदिया मुसलमान जमात संस्था के मुताबिक बांग्लादेश के अहमदनगर में अहमदिया मस्जिद पर हमला हुआ। यहां करीब 70 घरों को निशाना बनाया गया जो अहमदिया मुसलमानों के बताए जा रहे हैं। इस हमले में 18 अहमदिया मुसलमानों के घायल होने की भी खबर है। जसौर जिले में भी प्रदर्शनकारियों ने एक 5-स्टार होटल में आग लगाकर 24 लोगों को जिंदा जला दिया। गुस्साई भीड़ ने आवामी लीग पार्टी के एक नेता के जाबीर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी। इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए। खबर है कि बांग्लादेश में आवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगाई जो ऊपर तक पहुंच गई और देखते ही देखते होटल से आग की लपटें उठने लगी।
ये उस होटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आग लगा दी गई और 24 लोगों की मौत हो गई है। सवाल ये कि इन 24 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो उधर ऑल आईज ऑन ढाका में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के लूटे गए घरों में कई लोग दिखाई दिए। इस दौरान वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम के घर को तहस नहस कर दिया। यही नहीं, वहां खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया था। घर की दीवारों पर शेख हसीना विरोधी तकरीरें लिखी गई। यही नहीं, शेख हसीना के घर से लोग फिर से वहां रखे सामान ले जाते नजर आए। पीएम आवास में प्रदर्शनकारियों की तस्वीर आप देखिए, मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने पीएम आवास को और इस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है वहां पर रखे सामान को, चाहे वो शेख हसीना के कपड़े ही क्यों ना हो। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं बदला, हिंसा अभी भी जारी है। बड़ा खतरा अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। कई जगहों पर मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है। जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है, लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। मिचिल लिए जावा समय उल्टो दिक থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিতাই ভাইয়া বলেছে বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। दो हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
खबरों के मुताबिक हरादन रॉय को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया, कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। तो बांग्लादेश में अराजकता की तस्वीर आपने देखी। पिछले 3 सालों से भारत के 4 पड़ोसी देशों में ऐसी ही आग लगी है। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इस विद्रोह की आग में झुलस चुके हैं। अब भी वहां हालात बहुत ठीक नहीं है। बांग्लादेश से पहले इन देशों से आए वीडियो भी बहुत हैरान करने वाले हैं। एक नजर उस पर भी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत के पड़ोस में बवाल मचा हुआ है। भारत के पूर्वी छोर पर बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में धधकता रहा और 5 अगस्त को जनता ने विद्रोह कर दिया। पीएम आवास में घुस गई जनता, पीएम आवास में मौजूद सामान को लेकर भाग रही है। ये है बांग्लादेश की पब्लिक। इसने शेख हसीना के घर की मुर्गी को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना का घर पूरी तरह लूट चुका है। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर फरार हो गया। बांग्लादेश की संसद में भी लोग पहुंच गए, वहां भी हंगामा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश की पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ढाका की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন এই হত্যাযজ্ঞ এটা আপনাদের কারণে এবং আপনাদের ব্যর্থতার কারণে এটা আপনারাই করতেছেন এটা আপনারাই করতেছেন আপনারা যদি সঠিক বিচারটা করতেন শুরু থেকে যদি এটা মেনে নিতেন তাহলে এত কিছু কোনোদিন হইতো না এত অতিষ্ঠ এত তিক্ততা এত মানুষের দেয়ালে বাংলাদেশ সে লেকার শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তান সে লেকার আফগানিস্তান পিছলে 3 সালো মে ইন 4ো দেশো মে এসি ঘটনায় হুই জিসমে উঠা পটক ভি হ্যায় আর তখতা পলট। पिछले 3 सालों में भारत के पड़ोसी इन 4 देशों का पूरा निजाम ऐसा बदला जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बांग्लादेश में जो 5 अगस्त 2024 को हुआ वैसा ही कुछ पाकिस्तान में 9 मई 2023 को हुआ था। 9 मई 2023 पाकिस्तान की जनता ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। पाकिस्तानी जनता जब सड़कों पर उतरी तो सेना के बम गोले बारूद धरे के धरे रह गए। जनता ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जगह रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल के दफ्तर को निशाने पर ले लिया। लाहौर में पाक आर्मी के 4th कोर कमांडर के घर को भी नहीं बख्शा। दंगाई बन चुकी आम जनता ने सरकारी और सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पर आगजनी और हमले किए। हिंसा की 62 घटनाओं की पुष्टि हुई और इसके बाद कम से कम 40 इमारतें जला दी गई। इसमें लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर का घर भी शामिल था। रावलपिंडी में जनरल का मुख्यालय, मियांवाली में एयरफोर्स का एयरबेस, फैसलाबाद में एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का दफ्तर और चकदरा में फ्रंटियर कोर का किला भी शामिल था।
पाकिस्तान ने वो सब देखा जो इस वक्त बांग्लादेश में दुनिया देख रही है। बर्बरता, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही घंटों में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। We are getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. बांग्लादेश की पब्लिक का गुस्सा आपने देखा, अब भारत के एक और पड़ोसी श्रीलंका की 2 साल पुरानी तस्वीर देखिए। 9 जुलाई 2022 श्रीलंका। आज से ठीक 2 साल पहले 9 जुलाई 2022 को श्रीलंका जल रहा था। वहां के राष्ट्रपति भवन से आई इन तस्वीरों ने सबको हिला कर रख दिया था। लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया था, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा था। कोई राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई तोड़फोड़ मचा रहा था। हालात बद से बदतर हो गए थे। 2022 में श्रीलंकाई राजनीतिक संकट श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के लोगों के बीच सत्ता संघर्ष की वजह से हुआ था। देश में आर्थिक संकट की वजह से जनता द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने इसे और हवा दी और हालत यहां तक पहुंच गई थी। हालत ये हो गई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ठीक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरह देश छोड़कर भाग पड़े थे। श्रीलंका और बांग्लादेश की तस्वीरों में फर्क सिर्फ इतना है कि श्रीलंका में लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला किया था और बांग्लादेश में पीएम हाउस में। बांग्लादेश में हुए इस विद्रोह की खबर जब इंग्लैंड में रह रहे बांग्लादेशियों तक पहुंची तो वो खुशी से चहक उठे। This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilian's charter. We need a civilian's government, and we are going to ensure it. बांग्लादेश इस वक्त भी पब्लिक नुमा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सत्ता का कंट्रोल सेना के हाथ में है, लेकिन पब्लिक अब भी गुस्से में डूबी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह पब्लिक ने शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया है, वैसे ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना सिर पर पैर रखकर भागी थी। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें 15 अगस्त 2021 को आई थी। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया सन्न थी। हालत ये हो गई थी कि 20 सालों से अफगानिस्तान में मोर्चा संभालने वाली अमेरिकी सेना को अपने जंग का साजो सामान भी छोड़ना पड़ा था। हेलीकॉप्टर्स को छोड़ना पड़ा था, आधुनिक हथियारों को छोड़ना पड़ा था। आखिरी वक्त में अमेरिकी फौज के लिए खुद की जान बचानी तक मुश्किल हो गई थी। और इसी के साथ तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से हटाकर देश पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी को भी अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। इसीलिए बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, एशिया ने बहुत से तख्ता पलट होते देखे, बहुत सी सरकारों को खत्म होते हुए देखा और निजाम को चौपट होते हुए देखा है। पिछले 3 सालों में इन चारों देशों में जो कुछ हुआ उससे साफ है कि जब पब्लिक आवाज उठाती है तो सड़क पर निकल जाती है, तो फिर शेख हसीना और गोटाबाया राजपक्षे को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ता है। शेख हसीना 5 बार से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रही थी। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक उन्हें आयरन लेडी कहते आ रहे थे, लेकिन हालत देखी कि जब समय ने पलटी मारी तो आयरन लेडी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।